अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो जो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम अपनी जो केजेस है ना उसके आगे लकड़ी का फ्रेम बनाने वाले हैं, पूरा केज बना के लगाने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से ये लकड़ी के फ्रेम बनते हैं, क्या प्रोसीजर वगैरह होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं। और फिर हमारा जो केज रेडी होगा ना, तो केज रेडी करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है भाई। और देखते हैं कि क्या पता हम कुछ परिंदों की, कुछ बर्ड्स की शिफ्टिंग वगैरह भी कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले लकड़ लेने के लिए, फिर उस लकड़ को कटवा के लाते हैं और उसका जो है ना हम फिर लकड़ी के जो केजेस और फ्रेम वगैरह वो बनाते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ से हमने ना लकड़ लेनी है, जिस लकड़ से हमने वो फ्रेम वगैरह बना के तो उसको जाली लगानी है। तो अभी हमने लकड़ का ऑर्डर दे दिया है और वहाँ पे जो है अभी लकड़ की कटाई हो रही है, तो थोड़ी देर में वो कटाई हो जाएगी, फिर हम उस लकड़ को घर लेके जाएंगे और केज बनाने वाले भाई जो है ना वो हमें उसका पिंजरा बना के देंगे प्यारा सा। यहाँ पे जो है ना ये डगे होते हैं, इनको डगे बोलते हैं, ये बन रहे हैं और ये देखें कितने ज़्यादा यहाँ पे बन रहे हैं, लकड़े यहाँ पे रख रहे हैं। ये जो है ना कटाई वगैरह करेंगे, इससे लकड़ के इतने इतने पीस निकलेंगे जिसका हम फ्रेम बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चेक करें कितना खूबसूरत किस्म का सील पेयर रखा हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह कितना प्यारा है यार, भाग गया। तो यार हमारी लकड़ जो है ना वो रेडी हो चुकी है, अभी हम इसको घर लेके जाएंगे। ये सारी लकड़ जो है ना ये हमें चाहिए होगी फ्रेम वगैरह बनाने के लिए। अभी हम इसको गाड़ी में रख रहे हैं, दरवाजे तो बाहर आ चुके हैं बिल्कुल। तो लकड़ जो है ना वो आ चुकी थी और अभी काम वगैरह स्टार्ट हुआ हुआ है, साथ साथ जो है ना मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि किस तरह से ये काम हो रहा है। तो यार अभी एक फ्रेम रेडी हो चुका है, इसके अंदर ही दरवाजे वगैरह लगेंगे, सब कुछ लगेगा, फिर हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे फिट करना है और दरवाजे किस तरह से यहाँ पे लगाने हैं जी। अभी 4 फुट का यहाँ पे दरवाजा लगेगा, ये जो है ना यहाँ से नाप वगैरह कर रहे हैं। अभी हमारा ये फ्रेम सा जो है ना वो रेडी हो चुका है, अभी हम इसको फिक्स करके देख रहे हैं कि इसके अंदर ठीक से ये फिक्स आता है या नहीं। और देख जी बिल्कुल जो है ना आप देख सकते हैं एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक से ये फिट आ गया। अब इसका दरवाज़ा वगैरह लगेगा और उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर जाली लगाएंगे और ये हमारा पूरा जो है ना रेडी हो जाएगा। पालक वगैरह डाली है तो बहुत खुशी से खा रहे हैं। फीमेल यार फिर ऊपर आ गई है, पता नहीं इसको क्या नज़र आ रहा है, बार बार ऊपर आ जाती है। और अभी इसके अंदर भी जो है ना फ्रेम लग चुका है, अभी ना इसका पूरा जो है ना दरवाज़ा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने बड़े परिंदे लेके आने हैं तो उस वजह से इसका दरवाज़ा हम काफ़ी बड़ा रखवा रहे हैं। और यहाँ पे ये छोटा दरवाज़ा है, यहाँ पे कबूतर वगैरह होंगे तो उनके लिए ये दरवाज़ा काफ़ी है। अभी ऐसा ही फ्रेम जो है ना यहाँ पर भी बनेगा और वैसा फ्रेम जो है ना यहाँ पर लगेगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। गोल्डन मिस्री ये वाली मुर्गियाँ कम कर देते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ गंद बहुत ज़्यादा बनाती हैं, इनकी जगह हम फैंसी जो है ना वो मुर्गियाँ ले आएंगे। इसको लगाने का तरीका ये होता है ना कि हमने लकड़ जो होती है ना उसके अंदर पहले इसके मतलब साइज़ की रख के फिर उसको काटना होता है। और यहाँ से अभी जिस तरह से भाई जो है ना अभी काटेंगे इसको, देखें बराबर कर रहे हैं, तो इसी तरह से आपने पहले इसको बराबर करना होता है और बराबर करने के बाद आपने इसकी फ्रेम बना के उसको ठोक के ना, तो उसके बाद आपने यहाँ पर लगानी होती है। अभी फ्रेम वगैरह पहले बन रही हैं, उसके बाद जो है ना हम जाली इसके अंदर लगाएंगे। पहले ये फ्रेम वगैरह बनेंगी, इनके दरवाजे बनेंगे और फिर इसके ऊपर हम जाली लगा के, इसके ऊपर एक और चीज़ होती है वो मैं आपको बताऊंगा, वो हम लगाएंगे तो ये बहुत मतलब मजबूत काम हो जाएगा। इसके हिसाब से काट रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो है ना ये थोड़ी सी टेढ़ी भी है, देखिए इस तरह से ये। तो अभी चूज़ों को जो है ना वो दाना वगैरह डाला है और ये बच्चा बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, अभी बड़ी मुश्किल से ये बाहर निकला है, क्योंकि यार ये थोड़ा वीक हो गया ना, बीमार हो गया था उसकी वजह से, तो अभी ये ठीक से उस तरह छलांगे वगैरह भी नहीं लगा पा रहा, मतलब थोड़ा कमज़ोर हो गया, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। और ये वही वाली फ़ीमेल है जो ऊपर छत पर आई हुई थी, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाती है यार, माशाल्लाह इसके बच्चे सबसे हेल्दी हैं। भाई इसको दाना डाल देते हैं, आधे से ज़्यादा दाना तो ये नीचे गिरा देते हैं, इतनी मस्तियाँ करते हैं ना ये।
ये देखें ये फीमेल फुल अंडों पे रेडी है माशाल्लाह से। अभी सारे कबूतरों को बाहर लेके जाते हैं और इनको दाना वगैरह डालते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है ना ये मुझे भूखे लग रहे हैं। आज देखें एक बच्चा ऊपर है, एक ही है। और दोस्तों ये वाला जो बच्चा है ना ये नहीं बच पाया है, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था पिछले व्लॉग में, इसकी फीमेल ने इसकी केयर करना छोड़ दिया था और इसको बहुत दफा हीट देने की कोशिश की है, इसको खिलाने की कोशिश की है, लेकिन ये फिर भी नहीं बच पाया क्योंकि इसकी फीमेल ने इसे छोड़ दिया था। तो छोटे बच्चे होते हैं ना वो फीमेल के बगैर नहीं पल पाते। अभी देखे सारे कबूतर यहाँ पे जमा हो गए मुर्गी के पास और इस मुर्गी ने ना कबूतरों को मारना छोड़ दिया, पहले छोड़ती ही नहीं थी, जो भी कबूतर पास आता था उसको मारती थी, अभी कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि ये मुर्गी जो है ना अब इसको फिर से मुर्गी के साथ छोड़ना है और ये मुर्गी के साथ घूमना भी शुरू हो गई है। अभी सुबह से मैं तीसरी दफ़ा इनको दाना डाल रहा हूँ, पहले बहुत ज़्यादा दाना डाला था, अभी ऐसे ही थोड़ा सा डाला है ताकि नीचे उतर आए। अंडो जो है ना ये अपने बच्चों के पास जा रहा है खा के और अपने बच्चों को जाके फीड करवाएगा। दो बच्चे हैं इसके और इसकी जो फीमेल थी इसको बिल्ली खा गई थी, तो अभी ये खुद ही जो है ना उनको पालता है। ये माशाल्लाह हमारा सिल्की का जो है ना ये फुल पेयर बनेगा इंशाल्लाह, बस अल्लाह करे यार इनको कुछ भी ना हो, ये ठीक से पल के बड़े हो जाएं। अभी जो है ना लकड़ी का काम वगैरह चल रहा है, छत पे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना काम हो चुका है। यार अभी इनको ना पालक वगैरह डाली है, देखें कितनी ज़्यादा अभी कितनी खुशी से खा रहे हैं। पाँव पे कोई जाली वगैरह लगी है उसमें फंस के ना ये पाँव उसका टूट गया पूरा। अभी देखें हल्दी लगाई हुई है, अभी इसको नीचे उतार के ना फिर इसको हमने मेडिसिन वगैरह देनी है ताकि इसको पेन ना हो। कबूतरों को उड़ाया था और वो सारे जाके उधर बैठ गए और ये वाला कबूतर अभी तक यहाँ पे बैठा हुआ है, ये नीचे नहीं उतर रहा। तो जैसे ही नीचे उतरेगा ना इसको फिर हमने मेडिसिन वगैरह देंगे जिससे जो है ना इसका दर्द जितना होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अरे ये जो फ्रेम है ना ये रेडी हो चुकी है, अभी इसके ऊपर जाली लगा रहे हैं और यहाँ से काट के ना यहाँ से दरवाज़ा निकलेगा, तो वहाँ पे भी जाली वगैरह फिक्स कर रहे हैं। और इसके ऊपर एक जो मैं आपको बता रहा था पहले ना इसको गोला बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर लगेगी हमारी जो जाली होगी ना ये वाली चीज़, ये नज़र नहीं आएगी, इसके अंदर जो है ना फिक्स हो जाएगी। ये जो है इस लकड़ को ही कटवा के इसके पीसेस करके बनाया जाता है। अभी ये जो फ्रेम है ना इसके अंदर फिट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इनको निकाल के एक एक करके सबके अंदर जाली लगाएंगे और ये जो है ना ये पूरा दरवाज़ा होगा, इसके अंदर पूरा दरवाज़ा लगेगा और यहाँ पे इसका जो है ना इधर जाली लगेगी और यहाँ पे जो है ना वो दरवाज़ा लग जाएगा। हम इस कबूतर को उतारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये उतर ही नहीं रहा, अब देखिए अभी इधर जाके बैठ गया है। यार अभी ये दरवाज़ा जो है ना ये बन चुका है, अभी इसकी जाली वगैरह काट के ना इसको यहाँ पर अभी फिक्स कर देंगे। तो ये पोर्शन हमारा रेडी हो चुका है, अभी इन पोर्शन में जाली लगानी है तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह लगती है। माशाल्लाह मज़बूत जाली लगी है। ओ भाई अब इसको फिक्स नहीं किया इसलिए ये अंदर चला गया। चलो तो भाई अभी इसको जो है ना कील वगैरह लगाएंगे और कब्जे लगेंगे तो उससे जो है ना ये जुड़ जाएगा। तो कब्जे किधर ने जी, ये देखें ये वाले कब्जे लगते हैं इसको बोलते हैं, इससे जो है ना ये अभी जोड़ देंगे। मुर्गियों की शाम की डाइट आ चुकी है, चलो आ जाओ सारे आ जाओ, मजे से थोड़ा सा रह गया। देखें भाई एक मिनट में सारा चट कर गए हैं, माशाल्लाह से हैं ये इतना ज़्यादा कि सारा एकदम खा जाते हैं। ये जान जो है ना ये दरवाज़ा बना रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ये छोटा दरवाज़ा लगेगा और ये छोटा दरवाज़ा मैं इसलिए बनवा रहा हूँ ना कि फिंचेस वगैरह को फीड वगैरह डालनी होगी ताकि वो उड़ ना जाए। ये बड़ा दरवाज़ा भी होगा और एक छोटा दरवाज़ा होगा तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो फाइनली हमारी ये फ्रेम रेडी हो चुकी है, अभी हम इसको रेडी करेंगे और इसको नीचे इन दोनों को रहती हैं बस। तो ये बन चुकी है, इसका मैं आपको दरवाज़ा दिखाता हूँ, ये छोटा दरवाज़ा है, इस दरवाज़े के थ्रू ना हम इनको फीड वगैरह इनकी डाइट वगैरह होगी ना वो दिया करेंगे और इस दरवाज़े के थ्रू हम खुद अंदर जा सकते हैं, मतलब अंदर जाके हमें कोई डोलियाँ वगैरह कोई इनके लिए नेस्टिंग वगैरह लगानी हो या कुछ भी करना हो तो फिर हम इजीली कर सकते हैं। ये जो है ना इनके छोटे छोटे दरवाजे होंगे, यहाँ पर हम कबूतरों के लिए बना रहे हैं और नीचे जो है ना ये पूरा बड़ा बड़ा दरवाज़ा होगा ताकि जो है ना हमारी डग्स हो जितने भी मुर्गियाँ वगैरह हैं वो आराम से बाहर आ जा सकें। इन भाई की जो है ना बर्ड शॉप भी है, इनसे पूछते हैं यार हमें ऐसे हीरा जो कोई मेल इस तरह का बात सुने, इस तरह का हीरा जो हमारे पास फीमेल है ना ऐसा कोई मेल मिल जाएगा आपके पास? मिल जाएगा। कब तक आएगा? इंशाल्लाह दो तीन दिन के। दो तीन दिन जी, ठीक है, मुझे इसका मेल चाहिए। तो हम इनकी शॉप पे जाएंगे और इनकी शॉप का मैं आपको विजिट भी कराऊंगा और साथ जो है ना इनके मतलब इस तरह कोई मेल हमें मिल गया तो वो भी लेके आ जाएंगे। ठीक है भाई आपने कोई रेडी करना है। अभी यह जो जख्मी वाला कबूतर था ना उसको हमने अंदर बंद कर दिया और उसको मेडिसिन भी दे दी है, तो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ वो कबूतर, उसकी जो है ना हालत कुछ बेहतर हुई है पहले से,
क्योंकि उसको हमने हल्दी वगैरह लगा दी थी। अभी अंदर जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार कबूतर को इसके अंदर बंद कर दिया इसकी फीमेल के साथ, और इसको जो है ना हमने मेडिसिन भी दे दी है, टेबलेट वगैरह भी दी है, और इसके अलावा इसको हल्दी भी लगाई है। तो अभी ये जो है ना कुछ बेहतर हो रहा है। आप लोगों ने दुआ करनी कि यार ये ठीक हो जाए। देखिए इसको खून भी आ रहा था। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो हमने ऊपर बनाया है ना, जो हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है, उस फ्रेम को ना, उस फ्रेम के अंदर हम कौन से बर्ड्स छोड़ने वाले हैं। तो वो सामने आपको जितने भी छोटे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, इसके अंदर फिंचेज हैं, इसके अंदर डव्स हैं और डायमंड डव्स हैं, सारे बर्ड्स अभी हम ऊपर वाले फ्रेम के अंदर छोड़ेंगे। और हमारी बच्चों वाली मुर्गी वो अंदर बंद कर दी है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि ये जो जगह है ना, ये वाली, इसके अंदर हम ना फिंचेस की और डव्स की जो है ना कॉलोनी बनाएंगे। इसके अंदर काफ़ी बड़ी जगह है तो अच्छी कॉलोनी बनेगी। और यहाँ पे हम शिराजी कबूतरों का सेटअप बना लेंगे। यहाँ पे हम जो है ना वो अपना डक्स का सेटअप बनाएंगे, जिसके अंदर हम वाइट कलर की डक्स लेके आएंगे, और हमारे पास 3 डक्स ऑलरेडी हैं। और इस जगह पर जो है ना हम मुर्गियों का सेटअप बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास फैंसी मुर्गियाँ होंगी, और असील मुर्गियों का जो है ना वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर असील रखें या फैंसी रखें, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं केज में भी देखेंगे कि क्या रखना है, उसके बारे में मैं सोचता हूँ। इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि कोई हम चिक्स वगैरह ले आते हैं, या फिर बटेर या तीतर, इस तरह की कोई चीज़ लेके आते हैं। बाकी यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ आने वाली है, आप लोगों ने गेस करके बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। इसके अंदर ज़ाहिर है हमने कोई परिंदा नहीं रखना, कोई और बड़ी चीज़ है, तो आप लोगों ने गेस करना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है। ये रेडी हो चुका है, इस दरवाजे को वहाँ पे लगाएंगे, फिर उधर जाली लगानी है, इधर भी जाली। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। व्लॉग को मैं इधर ही एंड करता हूँ। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें ये रेडी हो चुका होगा, इसकी जाली वगैरह भी लग चुकी होगी, और पीछे जो है ना वहाँ पर भी इस जगह भी जाली वगैरह लग चुकी होगी, मतलब प्रॉपर ये बन चुका होगा। तो वो नेक्स्ट व्लॉग आप लोग वेट कीजिएगा, और उसके बाद जो व्लॉग आते रहेंगे उसमें हम बर्ड्स की शिफ्टिंग भी शुरू कर देंगे, तो मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने कोई व्लॉग आगे मिस नहीं करना। अभी मैं वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं चला नेक्स्ट वीडियो में, दो में देखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।